हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या पार्क डॉक्यूमेंट। तो कैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को पार्क कर सकते हैं और पार्क का कंसेप्ट क्या होता है। अगर हम पार्किंग का कंसेप्ट समझे तो इन एसएपी देर इज अ डॉक्यूमेंट सेव्ड बट नॉट येट पोस्टेड टू जनरल लेजर अकाउंट्स। पार्क डॉक्यूमेंट कैन बी एडिटेड। एसएपी पुट अ लिमिट ऑन द फील्ड दैट कैन बी एडिटेड इन अ पार्क डॉक्यूमेंट। SAP document parking allowed dual controlling of the document. Hence, dual principle can be applied. Two separate users can be involved in the processing of a document. The first user will park and then the superior will verify and post. We can say हम कह सकते हैं क्या सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहें पार्क डॉक्यूमेंट का मतलब, जस्ट लाइक हम कोई एंट्री करने जा रहे हैं FB50 में या F-02 में, आप कोई भी एंट्री कर लो, ठीक है ना। कोई एंट्री हम कर रहे हैं और हम जस्ट लाइक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने ड्यूल कंट्रोलिंग रख रखा है। जस्ट लाइक देर इज अ जूनियर स्टाफ भी है, सीनियर स्टाफ भी है। जूनियर स्टाफ की ड्यूटी है जो भी वाउचर्स आएंगे उनके वो एंट्री करेगा प्रॉपरली, एक एक डेटा देख करके सारी चीज़ों की फीडिंग करेगा। फीडिंग करने के बाद फिर क्या होता है, वो सीनियर के पास जाएगी, वो एंट्री पोस्ट नहीं करेगा जूनियर, वो सिर्फ उसको पार्क करेगा। पार्क करने के बाद वो एंट्री आएगी सीनियर के पास, देन सीनियर सारे इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, देन सीनियर विल रिस्पॉन्सिबल टू पोस्ट दैट एंट्री। अब सीनियर ने फाइनली वो पोस्ट किया एंट्री, नाउ द सीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंट्री। तो बहुत सारे कंपनीज में आप जाओगे देर इज अ कंसेप्ट ऑफ मेकर एंड चेकर। तो मेकर चेकर कंसेप्ट होता है, मेकर क्या करता है डॉक्यूमेंट्स को बनाता है, दैट मीन्स जूनियर स्टाफ, और चेकर मीन्स सीनियर स्टाफ जो उसे चेक करता है और फाइनली पोस्ट करता है। आफ्टर पोस्टिंग द एंट्री एंट्री विल हिट योर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। जस्ट लाइक सपोज देर इज एंट्री, हम एक एंट्री करने जा रहे हैं, सपोज करो कैपिटल रिसीव की, ओके, एंड देर इज अ जीएल, द अमाउंट इज रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, देर इज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, डेबिट हाउ मच अमाउंट, सपोज 1 लाख रुपीज इंडियन करेंसी, ओके, सो देर इज अ टेक्स्ट, हम लोग यहाँ पर लिख देते बीइंग, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। सपोज दिस एंट्री अब क्या है, नाउ देर इज अ क्रेडिट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, क्रेडिट द सेम अमाउंट 1 लाख, ओके। नाउ नरेशन में हम लोग लिख देंगे, सपोज उसने सारी इंफॉर्मेशन भर दिया, वैल्यू डेट इज सेम 30 मई, ओके, सो इट्स कंप्लीट एंट्री। नाउ जब हम लोग इस एंट्री को क्या करेंगे, हमें इसे पार्क करना है, पोस्ट नहीं करना है। नॉर्मली जब हम कंट्रोल एस दबाते हैं तो ये पोस्ट हो जाती है, बट हमें पोस्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, पार्क करना है, ठीक है। तो ये हम लोग एंट्री यहाँ से पार्क कर सकते हैं, पहला नंबर क्लियर। तो ये देखो एंट्री हमने पार्क की है, ना कि हमने पोस्ट की है। तो ये जस्ट लाइक हमने जो वाउचर जो खोला, आप देख रहे होगे पार्किंग का बटन यहाँ दिया है, पोस्टिंग का बटन यहाँ दिया है। अगर हम यहीं पे FB50 की जगह पे अगर हमने FV50 प्रेस किया होता, तो यू नो ये जो वाउचर होता है FV50 इज फॉर पार्किंग, वो किसके लिए होता है, पार्किंग के लिए होता है। जस्ट लाइक FV50 नॉट FB50, इट्स FV50। FV50 से क्या होता है, यू नो पार्क जीएल डॉक्यूमेंट। जबकि नए सेशन पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम लोग FV50 करते हैं देन देयर इज अ इंटर जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट। सो इन दिस विंडो वी कैन पार्क द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली। व्हेन वी कंट्रोल एस प्रेस जब हम करते तो सीधे वो पार्क होगा, ना कि पोस्ट होगा। पोस्टिंग का अलग से बटन यहाँ दिया है, अगर पोस्ट करना तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो 30 मई में एक और एंट्री पार्क करने जा रहा हूँ, सपोज करो रेंट पेड, पेमेंट, ओके, सो जीएल डॉक्यूमेंट इज देर इज अ रेंट एंट्री, रेंट जीएल, आई थिंक रेंट इज नॉट अवेलेबल, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पे कैरेज इनवर्ड, कैरेज पेमेंट,
कैश पेमेंट. ओके, इट्स डेबिट. अमाउंट इज सपोज 500 यू एनर. इन रिलेशन यू कैन फीड बीइंग कैरेज पेड इंटर F4 क्रेडिट सेम अमाउंट 500. नरेशन वी कैन कॉपी बट वैल्यू डेट इज मैंडेटरी. सो 30th May बिकॉज आई एम यूजिंग बैंक अकाउंट प्लस इज कॉपी फॉर नरेशन. नाउ वी जस्ट कंट्रोल एस, प्रेस कंट्रोल एस. When I press Ctrl S now, it will depart. Now, this document number is, you can see, the document number is same. अगर हम इसको post किया होता तो इसी number से post होता, but park किया तो इसी number से post park हुआ है और यही number finally posting में भी जाएगा. ठीक है? Now next, अब हम बात करेंगे एक और T code की. F-65. Just like F-02 is GL posting, same F-65 is also park document. यहाँ पे आप लोग वैसे ही F-02 वाला environment आपको मिलेगा. यहाँ पे आप park कर सकते हो. एक park करके यहाँ पे भी दिखा देता हूँ. 30th 2023. So SA is there. Entry same. I am just using the suppose electricity expense. I am just going to pay electricity expenses. Enter. Amount is suppose 1000, 10,000 it's okay. Text narration if you want to feed, aap feed kar sakte ho. Being expense paid and then tab 50 is for credit. Account is State Bank of India. Enter star. Suppose I forgot the amount, then I use star. Star is used for copy the amount and plus is used for copy the narration. We know there is a bank, so value date is mandatory. Enter. Now you can simulate the entry. Complete the entry. Okay. Now we are just going to, Control S. Press Control S. If I can press Control S, now the document is parked. Yes, the document is parked. You can see here. Now, अब हमें क्या करना है? जितने भी document park किया हमें उन सबको देखना है. जितने भी document आपने park किया उनको अगर देखना है तो FBV0 there is a T code. यहाँ पे last entry दिख रही है जो अभी हमने pass किया electricity expense 10,000 वाला. But हमें सबके entry the document list पे आप जाइए. User by default आ ही रहा है. Otherwise आप date भी डाल सकते हो और execute करो. ठीक है? एग्जीक्यूट. जैसे एग्जीक्यूट करते हो ये देखो तीन एंट्री है. अब सपोज करो ये एंट्री मैंने चेक की और इस एंट्री को मैंने कहा ठीक है ओके. देयर इज डॉक्यूमेंट हेडर हमें लिखना था एक्सपेंस पेड. ओके, और कुछ अमेंडमेंट करना तो कर लो, अदरवाइज जस्ट कंट्रोल एस. दैट मीन्स कंट्रोल एस करोगे तो पोस्ट हो जाएगा या फिर यहाँ पे बटन पे सीधे क्लिक कर दो पोस्ट दिस डॉक्यूमेंट. पोस्ट करते ही डॉक्यूमेंट सेम नंबर्स देखो डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड. ओके, द डॉक्यूमेंट इज पोस्टेड. नाउ अब सिर्फ पार्क डॉक्यूमेंट में दो रह गए. तो इस तरीके से हम लोग पार्क, अगर कोई पूछता है पार्क डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना है तो कौन सा टी कोड होता है, तो पार्किंग टू पोस्टिंग करने के लिए FBV0 होता है. इस तरह से हम सारी एंट्रीज को क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं. और आफ्टर पोस्टिंग द एंट्री, एंट्री कहाँ देखने को मिलेगा आप सभी को पता है, FBL3N में. जस्ट लाइक मैंने एक पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी का, सो यहाँ पे GL अकाउंट हम लोग निकाल लेंगे. चार्ट ऑफ अकाउंट इज NE01. देयर इज अ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. यस, नाउ एग्जीक्यूट. नाउ इट्स टुडेज एंट्री जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी 10,000 अमाउंट. ओके, सो मेरे ख्याल से पार्किंग एंड पोस्टिंग आपको समझ में आ गए. अगर ये वीडियो समझ में आओ तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.